So we are now starting with a very easy chapter of 10th standard, although very important, that is circles. Hardly two exercises hai isme, aur second exercise mein kafi tough sums hai, jo ki exactly exams mein puche jate hai usme se. To bahut hi ab basic concept se ab start karte hai isme. Hamare paas yahan pe ek circle draw kiya hua hai, ye iska center hai, tangent hai. Humne ye pehle bhi fact dekha ki tangent hum kisko bolte hai, jo circle ko ek hi point pe meet karti hai. और हमने ये भी देखा है कि अगर आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और ये सेंटर को अगर आप ज्वाइन करते हो और ये टेंजेंट, ये दोनों, ये सेगमेंट और फिर ये टेंजेंट एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. इसका प्रूफ हम लोग बहुत इजीली देख सकते हैं. पहला तो कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास एक लाइन दी हुई है, एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से आप बहुत सारे सेगमेंट्स इसको ड्रॉ करो, इनफाइनाइट सेगमेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो. तो अगर आप देखो कि सबसे कम लेंथ वाली सेगमेंट कौन सी है, वो कितना एंगल बना रही है, वो 90 बना रही है इस लाइन के साथ. तो ये कंसेप्ट है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट. जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो गिवन लाइन को परपेंडिकुलर होगा. यही कंसेप्ट हम लोग अब यहाँ पे लगाएंगे. देखो मैंने एक और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया है, सेंटर है ओ और फिर यहाँ पे एक टेंजेंट है. हमने इस ओ से बहुत सारे सेगमेंट्स बनाए, ओ ए वन, ओ ए टू, ओ ए थ्री, ओपी. इस तरफ भी हम लोग बहुत सारे सेगमेंट्स बना सकते हैं. अगर आप देखो यहाँ पे ओ ए वन, इसके दो पार्ट्स हैं. एक है ये रेडियस, ओ से लेकर यहाँ तक का रेडियस का लेंथ है, और फिर ये एक्स्ट्रा पार्ट है. तो डेफिनेटली ओ ए वन क्या होगा, रेडियस से बड़ा है, इट इज़ ग्रेटर दैन रेडियस. बट वॉट रेडियस कैन बी रिटन एज, रेडियस किसको इक्वल है, ओपी को इक्वल है. तो हम लोग यहाँ पे अब लिखते जाएंगे कि ओ ए वन डेफिनेटली ओपी से ग्रेटर है. फिर ओ ए टू, ये भी रेडियस से ग्रेटर है, रेडियस मतलब ओपी, तो ओ ए टू भी ओ पी से ग्रेटर है, ओ ए थ्री भी ओ पी से ग्रेटर है. ऐसे आप जितने भी सेगमेंट्स बनाओगे वो सबके सब ओ पी से ग्रेटर ही आएंगे. इसका मतलब ओ पी क्या होना चाहिए, ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द टेंजेंट. एंड हमने अभी देखा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. सो ऑटोमेटिकली ये एंगल कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. तो ये थियरी इतनी इनफ है एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व करने के लिए. ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ. आप पहले खुद से ट्राई करो हर एक सम और फिर आके इसके सॉल्यूशंस यहाँ पे देखना. नाउ पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव. एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स आप बना सकते हो, आंसर है इन्फाइनाइट. देखो यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल के बाउंड्री पे कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको, इन्फाइनाइट. हर पॉइंट पे आप कितने टेंजेंट्स बना सकते हो, एक टेंजेंट बना सकते हो. तो जितने पॉइंट्स उतने टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं. सो देर आर इन्फाइनाइट टेंजेंट्स. क्वेश्चन नंबर टू, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इन हाउ मेनी पॉइंट्स. एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पे मिलती है, सो आंसर इज 1 पॉइंट. ये डेफिनेशन ही है टेंजेंट का. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में अगला क्वेश्चन ये है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट. ये डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. अगर आपके पास एक सर्कल है और आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो जो इसको दो पॉइंट्स पे कट करती है, तो इस लाइन को बोला जाता है सीकेंट. अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. एक सर्कल आपने बनाया ठीक है, और फिर आपने एक टेंजेंट बनाई और उसी को पैरेलल दूसरी टेंजेंट बनाई, तो कितने मैक्सिमम टेंजेंट्स आप बना सकते हो, दो पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो. सो आंसर इज 2. कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल. लोग क्या बोल रहे हैं, एक टेंजेंट आप बनाओ सर्कल को और वो सर्कल जिसको आपने टेंजेंट बनाई है उनका जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, सो दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. जैसे यहाँ पे ये टेंजेंट है टू अ सर्कल और फिर ये सर्कल, इनके बीच का ये कॉमन पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. अगला क्वेश्चन, हमको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस 5 है, एक टेंजेंट दी हुई है. आप ये रीड करना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसका डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है. पी क्यू टेंजेंट है, सेंटर से एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ की गई है जो क्यू पे मीट करती है. अच्छा, ये 5 दिया है, ये 12 दिया है, आपको ये लेंथ पी क्यू निकालना है, टेंजेंट का लेंथ. हमको पता है ये 90 डिग्रीज होते हैं, ये एंगल 90 डिग्री होता है. तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 12 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, इसको हमने एक्स ले लिया, तो 12 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहला स्टेप आ जाएगा. 5 स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी. 12 प्लस 5 इज 17, 12 माइनस 5 इज 7, 17 इंटू 7 इज 119, एक्स का वैल्यू रूट 119.
तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट ये दिया है ड्रॉ सर्कल, तो ये हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। मान लो ये गिवन लाइन है यहाँ पे, और फिर ये सर्कल भी है जो ब्लैक कलर में दोनों दिए हुए ये गिवन लाइन है और ये गिवन सर्कल है। हमको क्या करना है कि दो पैरेलल लाइंस हमको बनाने हैं। इस लाइन को पैरेलल, एक लाइन टेंजेंट होनी चाहिए और एक लाइन सीकेंट होनी चाहिए। तो ये गिवन लाइन थी, इसको पैरेलल हमने ये टेंजेंट बना दी और फिर इसको पैरेलल ये सीकेंट बना दी। सीकेंट क्या होती है, दो पॉइंट्स पे कट करेगी। टेंजेंट क्या होती है, एक ही पॉइंट पे कट करती है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 10.1 खत्म होता है।